हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू SAS क्रिएटिव ग्रुप। आज दोस्तों ब्रिक्स कैट के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं यहां पर मल्टी लाइन टेक्स्ट और टेक्स्ट कमांड के बारे में। तो चलिए आज सीखते हैं ये दोनों कमांड। मगर उससे पहले दोस्तों, अगर आपने ये सॉफ्टवेयर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। तो चलिए आज सीखते हैं सबसे पहले मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मल्टी लाइन टेक्स्ट लेता हूँ। उसके बाद ये हमसे पूछेगा फर्स्ट कॉर्नर फॉर ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट, तो मैं ये दे देता हूँ। और सेकंड कॉर्नर मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे होगे ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विंडो आ गई है, जिसके अंदर हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। तो यहाँ पर अब हम कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ SAS क्रिएटिव ग्रुप। अब अगर हमें इस टेक्स्ट का फॉर्मेट चेंज करना है तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होगे सबसे पहला जो ऑप्शन होता है टेक्स्ट स्टाइल, ये हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट का फॉन्ट आता है कि हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए, तो आप यहाँ से इस टेक्स्ट का फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट की हाइट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट बड़ा चाहिए तो आप यहाँ पर 2.5 की जगह कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो। जैसे 10 एंटर करते हैं हम यहाँ पर। 10 टाइप करने के बाद में यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ साइड में, तो ये हमारे टेक्स्ट की हाइट चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है बोल्ड इटैलिक का। अगर हम यहाँ पर बोल्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट मोटा हो जाएगा। अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे वापस ही डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल्ड कर सकते हैं, इसको इटैलिक कर सकते हैं। अगर आपको अंडरलाइन चाहिए टेक्स्ट के नीचे तो एक अंडरलाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये आ गई। अगर अपर लाइन भी चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए तो एक लाइन अपर में आ जाएगी टेक्स्ट के। अगर आपको यहाँ पर एक क्रॉस लाइन चाहिए जो टेक्स्ट को कट करे तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो एक लाइन टेक्स्ट को कट करती हुई दिखाई देगी यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ तो ये लाइन भी रिमूव हो जाएगी जो हमारी स्ट्राइक लाइन थी। अब उसके बाद आता है अपर केस और लोअर केस। तो अपर केस के ऊपर क्लिक करते ही जो आप यहाँ पर छोटे लेटर देख रहे होंगे ये कन्वर्ट हो जाएंगे बड़े लेटर में। तो यहाँ पर अपर केस के ऊपर क्लिक करते ही तो सब के सब लेटर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर लोअर केस करता हूँ तो सारे सारे छोटे लेटर हो जाएंगे लोअर केस में। और उसके बाद दोबारा अगर आपको बड़े करने हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आपको वापस ही वैसे लेटर लेके आने हैं जैसे पहले थे तो यहाँ पर अंडू का बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो जैसे हमने पहले टाइप किया था वैसे ही ये सारे लेटर आ जाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर एनोटेटिव का ऑप्शन होता है, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा एनोटेटिव कैसे यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है लाइन स्पेस, कि अगर हमारे पास यहाँ पर दो लाइन है जैसे SAS क्रिएटिव ग्रुप और दी पावर ऑफ ड्रीम, तो अगर हमें इन दोनों लाइनों के बीच में जो ये गैप है ये अगर इंक्रीज़ करना है तो हम यहाँ पर इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट होता है 1 होता है, अगर यहाँ पर 2 कर देंगे तो इनका गैप डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1x कर देते हैं जो कि हमारा डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेस था। उसके बाद यहाँ पर कॉलम का ऑप्शन आता है। कॉलम के अंदर यहाँ पर अलग अलग सेटिंग होती है। अगर हम यहाँ पर ये सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर दो कॉलम बन जाएंगे अलग अलग, एक कॉलम जैसे यहाँ पर, फिर स्पेस देके दूसरा कॉलम साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ नहीं रहता। तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पर कलर का, कि अगर आपको यहाँ पर कलर चेंज करना है इस टेक्स्ट का तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है ओब्लिक एंगल। तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ये सिलेक्ट करता हूँ ओब्लिक एंगल और यहाँ पर 30 एंटर कर देता हूँ। तो 30 एंटर करते ही आप देख रहे होगे जो हमारे टेक्स्ट का ओब्लिक एंगल था 0 वो अब 30 डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर ओब्लिक एंगल दोबारा 0 कर देते हैं ताकि जो हमारा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था वैसा ही आ जाए। अब उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट की विड्थ है, अगर आपको ये टेक्स्ट स्ट्रेच करना है तो आप यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हो इसको। जैसे मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि जो हमारा टेक्स्ट है वो तो स्ट्रेच हो गया है। अब यहाँ पर वापस ही मैं इसको 1 डिफ़ॉल्ट रख लेता हूँ ताकि हमारा जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट था वैसा ही आ जाए। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इसके अंदर हम जो लेटर हैं उनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो जैसे जैसे आप ये इंक्रीज़ करते चलोगे इनके बीच का गैप भी इंक्रीज़ होता जाएगा। जो हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहता है वो भी यहाँ पर 1 ही रहता है तो 1 ही रखते हैं इसको। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर ये अंडू का ऑप्शन है कि अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी तो हम यहाँ पर अंडू कर सकते हैं और वापस ही टेक्स्ट को उसी फॉर्मेट में ले के आ सकते हैं जैसे पहले था। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है A/B।
तो इसका यूज़ क्या है दोस्तों, इसका यूज़ है, तो जैसे मैं यहाँ पर बैक स्पेस करता हूँ, यहाँ पर स्लैश दे देता हूँ। अब अगर हमें ये दोनों वर्ड एक दूसरे के ऊपर नीचे चाहिए यहाँ पर, और बीच में एक लाइन चाहिए, तो हम यहाँ पर इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ए बटे बी जो आइकन देख रहे होंगे इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारे टेक्स्ट का फॉर्मेट ऐसे चेंज हो जाएगा। ओके, अब दोबारा अगर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वापस ही जैसे पहले था वैसा आ जाएगा। अब उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों, वो आता है सिंबल का। अब जब आप यहाँ पर ऐड दी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो भी आइकन चाहिए यहाँ पर वो आप लेके आ सकते हो। जैसे अगर आपको प्लस माइनस चाहिए तो यहाँ पर प्लस माइनस के ऊपर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर ये प्लस माइनस का आइकन आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर ओम का आइकन चाहिए तो ओम का आ जाएगा। तो जो भी आपको सिंबल चाहिए वो आप यहाँ से लेके आ सकते हो। जैसे डेल्टा चाहिए तो डेल्टा यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये सिंबल भी लेके आ सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों, ये है इंसर्ट फील्ड का। ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कैसे फील्ड को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है दोस्तों टेक्स्ट जस्टिफिकेशन। इसके अंदर हम यहाँ पर जो टेक्स्ट हमारा, जैसे आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड में अलाइन है, इसको हम यहाँ पर मिडल के अंदर भी लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर मिडल सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इस बॉक्स में मिडल के अंदर आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर इनकी जस्टिफिकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो पैराग्राफ अलाइनमेंट का होता है। तो पैराग्राफ की अलाइनमेंट आप यहाँ से कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेंटर जैसी भी आपको चाहिए। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है बैकग्राउंड मास्क का। तो अब जैसे अगर आपको इस टेक्स्ट के पीछे कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ पर इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, बैकग्राउंड मास्क के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद यूज़ बैकग्राउंड मास्क के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर फिल कलर येलो कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे जो हमारा ये बॉक्स है इसके अंदर येलो कलर आ गया है। तो यहाँ पर इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। दोबारा क्लिक करेंगे, यूज़ के ऊपर हटा देंगे, ओके करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है रूलर का। अब जैसे अगर आपको ये रूलर हाइड करना है तो आप यहां से क्लिक कीजिए तो ये रूलर हाइड हो जाएगा, और दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा आ जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है नंबर एंड बुलेट्स का, कि हम इसके अंदर नंबर ऑफ बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमारी दो लाइनें हैं, अब यहां पर अगर मैं क्लिक करता हूं और नंबर लिस्ट करता हूं तो यहां पर 1-2 ऑप्शन आ जाएंगे। अब जस्टिफिकेशन जैसे टॉप लेफ्ट कर लेते हैं तो 1-2 यहां पर आ गया। अब अगर आपको यहां पर नंबर की जगह बुलेट चाहिए तो यहां पर क्लिक कीजिए, बुलेट लिस्ट कर दीजिए तो यहाँ पर बुलेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर थर्ड बुलेट आ जाएगा न्यू लाइन के लिए। ओके, तो यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूँ। तो अब जैसे आपको अगर दोबारा इसका साइज चेंज करना है तो यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, पहले रिमूव कर लीजिए थर्ड बुलेट और उसके बाद इसको पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर इसकी अगर हाइट बढ़ानी है तो 20 ओके कर दीजिए, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों वो आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट के अंदर सिंपली क्या होता है, ये हमसे टेक्स्ट हाइट पूछता है कि आपको कितनी हाइट का टेक्स्ट चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इस टेक्स्ट की हाइट लगभग 218। फिर ये हमसे रोटेशन एंगल पूछेगा कि टेक्स्ट कितने डिग्री के ऊपर रोटेट होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं जैसे 45 एंटर। तो अब यहाँ पर मैं टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो आप देख रहे होंगे जो हमने टेक्स्ट की हाइट दी थी तो वो उतनी आई है, और यहाँ पर हमने टेक्स्ट का एंगल जो है 45 दिया था, इसलिए टेक्स्ट 45 डिग्री एंगल के ऊपर टाइप हो रहा है। यहाँ पर एस्केप की दबाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पर टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और उन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिल सके। थैंक यू सो मच, डोंट वेरी, बी हैप्पी, की स्माइलिंग फॉर एवर। टाटा बाय।